तो जैसा कि हम लोग बाइनोमियल हीप के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो इसके पहले वीडियो में हम लोग ने देखा कि बाइनोमियल हीप की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि हमारे पास जब बाइनरी हीप थी तो हम बाइनोमियल हीप का यूज़ क्यों करना पड़ा या बाइनोमियल हीप की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उसको हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि बाइनोमियल हीप किस तरीके से बाइनरी हीप से बेटर है। तो अब हम लोग बाइनोमियल हीप को समझने वाले हैं। तो बाइनोमियल हीप को समझने से पहले हमें समझना होगा बाइनोमियल ट्री को, क्योंकि बाइनोमियल हीप क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बाइनोमियल ट्री, यानी कि बाइनोमियल ट्री के कलेक्शन को ही हम लोग बाइनोमियल हीप बोलते हैं। यानी कि हमें सबसे पहले बाइनोमियल ट्री को समझना होगा सो डैट वी कैन अंडरस्टैंड बाइनोमियल हीप। तो बाइनोमियल हीप या बाइनोमियल ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले तो जैसे कि यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, बाइनोमियल का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है एन सी जीरो प्लस कॉमा एन सी वन कॉमा एन सी टू। जैसे कि आप लोगों ने ये बाइनोमियल कॉफिशियंट इनको बोलते हैं डॉट 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 एन सी एन। ये बाइनोमियल कॉफिशियंट होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में देखा होगा कि ये कॉन्सेप्ट बाइनोमियल कॉफिशियंट कहलाते हैं। तो यहाँ पे बाइनोमियल ट्री इस कॉफिशियंट को किस तरीके से फॉलो करती है, क्यों इसको बाइनोमियल ट्री बोला जाता है। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी है कि इसमें जो नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो टू टू द पावर के नोड्स होंगे। टू टू द पावर के नोड्स से मेरा मतलब है कि हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे टू टू द पावर के में, यानी कि जो भी नोड्स होंगी वो मल्टीपल ऑफ टू होंगी यानी टू की पावर में होंगी। तो यहाँ पे वन हो सकते हैं, टू हो सकते हैं, फोर हो सकते हैं। इस तरीके से ये जो नंबर ऑफ नोड्स बाइनोमियल ट्री में होंगी। और दूसरी बात यहाँ पे हम देखें तो जो के है यही हमारा हाइट है, तो हाइट हाइट एच कितना होगा वो हमारा के होगा। तो अब थर्ड प्रॉपर्टी हम यहाँ पे हम बात करते हैं बाइनोमियल ट्री की। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सबसे मैं क्योंकि इसी की वजह से इसका नाम बाइनोमियल ट्री पड़ा, क्योंकि ये बाइनोमियल की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो बाइनोमियल प्रॉपर्टी क्या थी, तो ये इसमें एन और सी क्या है, एन और एन सी को हमें पता है कॉम्बिनेशन है, और ये जीरो वन टू ये कहाँ से आया। तो देखिए ये एन की जगह हमें बात कर रहे हैं एच की, एच सी और ले एल, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ नोड इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स एंड लेवल एच, सॉरी लेवल एल, यानी कि हमें ट्री बनी हुई है। तो पहले लेवल में कितनी नोड होंगी, दूसरे लेवल में कितनी नोड होंगी, तीसरे लेवल में कितनी नोड होंगी, ये इस प्रॉपर्टी के थ्रू फॉलो होता है, इसीलिए इसको बायनोमियल ट्री बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये किस तरीके से फॉलो होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं और यहाँ पे हम इसको समझते हैं। देखिए अगर हमारे पास चार नोड हैं तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। तो देखिए इसकी हाइट, ये लेवल जीरो है, ये लेवल वन है, ये लेवल आपका टू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसकी हाइट कितनी है, वन एंड टू, तो हाइट इसकी टू है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे एच सी जीरो, एच सी जीरो यानी कि लेवल जीरो के लिए कितनी आएगी वैल्यू, एच सी जीरो के लिए टू सी जीरो वन आएगी। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ नोड कितनी है, वन है, लेवल जीरो पे नोड वन है। अब निकालेंगे हम एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, टू, तो एच सी वन निकालेंगे फर्स्ट लेवल पे, तो यानी कि टू सी वन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी टू, तो यहाँ पे कितनी नोड है टू। सिमिलरली यहाँ पे एच सी टू यानी कि टू सी टू कितनी आएगी वैल्यू, वन, तो यहाँ पे कितनी नोड है वन। इस तरीके से देखिए ये बाइनोमियल प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइनोमियल ट्री। अब अगर हम लोग बात करें, ये तो बेसिक साथ ना था, अगर हम लोग बात करें हाइट ऑफ थ्री की, तो ये इस तरीके से बनेगा, इस तरह से आपकी ट्री बनेगी। तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसे होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाया जाता है ताकि आपको समझ में आए आसानी से। देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, बस इसमें क्या है कि हमने इसको यहाँ इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लेवल जीरो है, ये लेवल वन है, ये लेवल टू है, और ये लेवल थ्री है। तो यहाँ पे देखिए कितने नोड्स हैं, यहाँ पे वन थ्री थ्री वन। अब इसकी हाइट कितनी है, वन टू थ्री, तो हाइट एच इक्वल टू कितनी हो जाएगी थ्री। तो देखिए यहाँ पे एच थ्री सी जीरो वन आएगा, थ्री सी वन थ्री
थ्री सी वन कितना आएगा, थ्री आएगा, थ्री सी टू कितना आएगा, ये भी थ्री आएगा, यहाँ पे थ्री सी जीरो, थ्री सी वन, थ्री सी टू, थ्री सी थ्री। अब आप देख सकते हैं कि इतनी ही नोड है यहाँ पे, वन टू थ्री, वन थ्री थ्री वन। सिमिलरली आप इसको हायर हायर उसके लिए लेके जाएंगे, फोर हाइट के लिए लेके जाएंगे, तो क्या होगा, मैं इसी में फोर हाइट का बना सकता हूँ कि हमें यहाँ पे फोर हाइट को यहाँ पे ऐड करना है इसको, बाकी ये ट्री सेम टू सेम यहीं पे आ जाएगी। यानी कि जब भी हमें हाइट कोई भी ट्री है तो उसमें क्या होगा, दो ट्री होंगी, बाइनोमियल ट्री, ये हमारी बाइनोमियल ट्री थी हाइट ऑफ एच थ्री के लिए, तो हमें एच फोर के लिए बनानी है। एच फोर के लिए क्या होगा, एच थ्री प्लस एच थ्री, दो एच थ्री का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे एच थ्री ये है, इसको समझते हैं, एच थ्री है ये, अब एक और एच थ्री को हम यहाँ पे बनाते हैं तो क्या आएगा, देखिए इसी को हम यहाँ पे कॉपी करने वाले हैं, या फिर मैं चाहता तो ये जो बनी हुई थी इसी में इसको ऐड कर देता, लेकिन मैं यहाँ पे दूसरी बना रहा हूँ। देखिए ये हमारी वन टू थ्री, वन टू थ्री ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, और यहाँ पे आई थिंक यस, और ये यहाँ जाएगा, और ये यहाँ, और ये यहाँ, ये इस तरीके से देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री, सॉरी ये यहाँ तक आएगा, और ये इस तरह से रहेगा, इस तरीके से हमारी तो यहाँ पे इसकी चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम h इक्वल टू फोर के लिए बनाते हैं, यानी कि h इक्वल टू k के लिए बनाते हैं, तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू क्या होगी, टू एच के माइनस वन बाइनोमियल ट्री से मिलकर ये बनी होगी। यानी कि यहाँ पे हम बात करें, जैसे हमारे पास ये कितने की है, एच इक्वल टू थ्री के लिए है, हम एच इक्वल टू थ्री के लिए एक और नोड बनाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे बनाते हैं सेम इसी को कॉपी कर रहे हैं, देखिए ये और ये, देखिए H3 ये है और H3 ये है, तो अगर हमें H4 बनाना है तो हमें कुछ नहीं करना है, दोनों में दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को ऐड कैसे करना है, इसको इससे कनेक्ट कर देना है। देखिए हमारी ये H4 बन गई, अब हम इसको देखिए यहाँ पे लेवल जीरो, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, और ये लेवल, चूंकि ये लेवल इसको मैं, ये लेवल आपका फोर है, तो देखिए पहला लेवल, ये लेवल फर्स्ट, ये लेवल सेकंड, ये लेवल थर्ड, ये लेवल फोर्थ। अब इसको हम लोग यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर सी जीरो, फोर सी वन, फोर सी टू, फोर सी थ्री एंड फोर सी फोर। तो इसकी वैल्यू देखिए कितनी आनी चाहिए, फोर सी जीरो की वैल्यू वन, फोर सी वन की वैल्यू कितनी आएगी फोर, तो देखिए यहाँ पे फोर नोड होंगी, वन टू थ्री फोर। फोर सी टू की वैल्यू कितनी आएगी सिक्स, तो यहाँ पे देखिए सिक्स वैल्यू होंगी फोर सी टू की, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी फोर सी थ्री की, फिर से फोर, तो यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर, और यहाँ पे फोर सी फोर की वैल्यू कितनी आएगी, फोर सी फाइव की वैल्यू आएगी वन, तो यहाँ पे देखिए वन नोड अवेलेबल है, ये लेवल फोर था, यहाँ पे वन लेवल, ये लेवल थ्री था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाइनोमियल हीप की चार प्रॉपर्टी, बाइनोमियल ट्री की चार प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा बाइनोमियल ट्री क्या है, अब हम लोग देखेंगे बाइनोमियल हीप क्या, लेकिन उससे पहले हम लोगों को यह प्रॉपर्टी समझनी होगी कि यहाँ पे इतनी नोड होंगी, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। मैंने बाइनोमियल H2 के लिए बताया, H3 के लिए बताया, H4 के लिए बताया, H5 के लिए क्या करना है आपको, यही H4 को दोबारा यहाँ बनाना है और उसके नोड को इससे कनेक्ट कर देना है, तो आपको H5 आसानी से फाइंड आउट हो जाएगी। H6 के लिए आपको H5 की दो नोड, दो ट्री बनानी है, उनको एड यूनियन कर देना है, तो इस तरीके से ये वर्क करती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये बाइनोमियल हीप क्या है, ये तो बाइनोमियल ट्री है, बाइनोमियल हीप दो प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, बाइनोमियल हीप दो प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। सबसे पहले तो हीप प्रॉपर्टी, क्योंकि ये जैसे ही इसमें हीप नाम जुड़ जाता है तो हीप की प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होती है। ये हम लोग बाइनोमियल हीप की बात कर रहे हैं, बाइनोमियल हीप यहाँ पे दो प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। सबसे पहले हीप प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी नोड होगी उसके ये मिनिमम वैल्यू होगी इन इन चाइल्ड से, इन चाइल्ड की वैल्यू बड़ी होगी, पेरेंट्स की छोटी होगी। सिमिलरली इसकी बात करें तो इन सबसे ये बड़े होगी, तो मिनिमम वैल्यू हमेशा यहाँ होगी। तो हीप को मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने हीप वाले कॉन्सेप्ट में बताया कि हीप का मतलब क्या होता है, किस तरीके से ये हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी, क्योंकि मिनिमम वैल्यू यहाँ आएगी, उसके बाद
इस पूरी ट्री की मिनिमम वैल्यू यहाँ आएगी, इस पूरी ट्री की मिनिमम वैल्यू यहाँ आएगी, इस इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू यहाँ आएगी, और ये वैल्यू तो जो होगी क्योंकि यहाँ पे तो उसकी कोई सब ट्री है नहीं, सिमिलरली यहाँ पे भी कोई प्रॉपर्टी फॉलो होगी कि इन पूरी ट्रीज में सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ होगी। तो इस तरीके से ये मिन हीप की प्रॉपर्टी फॉलो करती है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि इन दोनों में कौन सी मिनिमम होगी इसका कोई रिलेशन हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पेरेंट्स और चाइल्ड रिलेशनशिप से मतलब होता है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये कलेक्शन होता है जो हमारी बायनोमियल ट्री है, ट्री का कलेक्शन होता है। बायनोमियल ट्री का कलेक्शन से मेरा मतलब है कि देखिए अगर हम लोग बाइनरी हीप को बनाना चाहें तो किस तरीके से बनाएंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास है तीन बायनोमियल हीप्स हैं, B1, B2, B3। ये तीन बायनोमियल ट्रीज हैं। अब इनको हमें हीप, अगर आप लोग इनको बात करें कि हीप कैसे बनेगी, तो देखिए अगर हम इन सबको कलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि इन सब के रूप को एक लिंक लिस्ट में स्टोर कर देते हैं, तो हमारी ये बायनोमियल हीप जो है कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये हीप की प्रॉपर्टी को यहाँ फॉलो करना चाहिए। तो देखिए 5 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। सिमिलरली 8 इन दोनों से बड़ा है, 13 इसके चाइल्ड से बड़ा है, 10 इसके चाइल्ड से बड़ा है। सिमिलरली यहाँ पे भी मिन हीप की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, 1 जो है मिनिमम है, उसके बाद 15, 18 से छोटा है, यहाँ पे इसका कोई चाइल्ड नहीं है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं बायनोमियल हीप क्या है। यहाँ पे ये लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है जिसमें सारे रूट एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए यहाँ पे हमारा जो मिनिमम को सर्च करने के लिए ऑर्डर ऑफ लॉग इन क्यों लग रहा था, क्योंकि मिनिमम हो सकता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे मिन हीप जो है वो कलेक्शन के फॉर्म पे है। तो यहाँ पे मिन ही जैसे यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे है, लेकिन हम यहाँ से सर्च करना शुरू करेंगे तो हमें इस पूरी लिंक लिस्ट को सर्च करना पड़ेगा।